सो हे गाइस, वेलकम बैक टू जीके इलेक्ट्रिकल चैनल। और मैं अपना लैपटॉप कर लेता हूँ बंद ताकि कॉपीराइट ना आए, किसी भी वॉइस से कॉपीराइट आ जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक वीडियो ले आऊँ तो ये हमारे पास सेट रखा है, मैं कैमरा कर देता हूँ। तो ये देखो, इसमें ऑप्शंस देखो कितने सारे, 5 स्पीकर, ये ऑडियो इनपुट क्या है, 5.1 इंच CH चैनल इनपुट और 2 2 चैनल इनपुट। तो ये कुछ ऐसा इनपुट है, पावर ऑन ऑफ का, ये 5 आउटपुट मिल जाते हैं। फ्रंट से दिखाऊँ तो ऐसा है, और क्या नाम है, बेलटेक का है ये, BTK 700। तो ये एकदम सड़ चुका है, एकदम कबाड़ा हो चुका है। तो इसी को फुल रिस्टोरेशन करेंगे। तो अगर चैनल पर नए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि ऐसी ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में एकदम टाइम लैप में दिखाऊंगा करके, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी आधे घंटे की वीडियो कम से कम ये हो जाएगी। तो प्लीज़, वीडियो काफ़ी अच्छी होनी वाली है, जो इसके अंदर है ना वो टेक्नोलॉजी, वो IC बेस्ड होम थिएटर बहुत कम देखने को मिलता है। तो ऐसी वीडियो पर रिस्टोरेशन बनाने में मज़ा भी आता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। I made up my mind, not another day. You're on borrowed time, let me get away. Yeah, I'm running, yeah, I'm running. So love me or leave me, I'm standing alone. Can't shake a feeling that lives in my bones. Lie to me, tell me you wish that you could, but nothing you gave me is worth what you took. Cause baby, when I'm gone, I'm gone for good. Gone for good.
स्पीकर है ना, सबसे पहले तो यही खराब है, चल नहीं रहा, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करा देता हूँ। पूरी वीडियो में सोचा था कि टाइम लैप में बनाऊंगा, बट ये बताने के लिए तो कंटिन्यूटी मोड पे लगा दिया, और जगह बहुत कम है मेरे पास, तो अगर चल रहा होगा तो इसकी बीप आपको आवाज़ आ जाएगी। तो ये देखो कोई बीप नहीं आ रहा, एकदम ठसी है। और इसे चेक करने के लिए एक टेस्ट और कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक सेल है, तो इससे लगा के देखता हूँ मैं। तो ये देखो कोई बीप साउंड नहीं आ रहा, जबकि इससे बड़ा, और इसके अंदर ये देखो मैग्नेट, बट ये बड़ा ही क्या कहें, गुना भाग करके यानी बड़ी कैलकुलेशन से बनाया हुआ, तो ये अच्छा काम करेगा। अब मैं इसके ऊपर इसकी बीप सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये बैटरी हमारी डिस्चार्ज थी, इससे दिखाता हूँ मैं। तो ये देखो ये वॉइस क्रिएट कर रहा है, और जब मैं इस पे लगाऊंगा तो ये देखो कोई, यानी इसकी कॉइल फूक चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, आपको साउंड चेक कराने के लिए, इसको चल रहा है ये दिखाने के लिए, इसकी जगह ये लगाऊंगा। वैसे मेरे पास एक 4 इंच का है, ये रहा मेरे पास एक 4 इंच का बूफर भी है, बट इसकी कॉइल थोड़ी सेट अनफिट है, तो इसलिए इसको मैं नहीं लगाऊंगा, तो इसलिए मैं इसी को लगाऊंगा। तो जल्दी से इसकी वायर इसमें लगा लेता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने अपना बैक कैमरा चालू कर लिया, जो इसका ट्रांसफार्मर था ना कहाँ रख दिया, तो इसकी प्राइमरी कोईल बिल्कुल ठस्सी हो चुकी, तो देख सकते हो इसकी कंडीशन। तो इसमें जो सप्लाई निकली है 12012 और 12000 निकली है, तो मैंने अपने टोरोडल के जो किया है हमारा 6565 और 12000 और 12012 और 12000, तो मैंने इसकी 12012 और 12000 ले लिए, जो कि यहाँ पावर सप्लाई लगा दी है। सभी वायर्स मैंने, देखो कितनी वायर है, इसकी औकात देखो, और जो हमारा स्पीकर है उसकी औकात देखो, जबकि फिर भी ये 4 ओम पे 25 वाट देगा। तो ये अगर इस पर लिखा है तो ये जेन्युइन होगा भाई, 25 वाट ही दे रहा होगा, क्योंकि पुराने स्पीकर है, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी, कोन वगैरह की फिनिश है ना, एल्यूमिनियम वाले इसके अंदर कोईल लगी हुई है, तो भाई ये 25 वाट दे ही रहा होगा। इसकी मैग्नेट पे मत जाओ, बहुत कैलकुलेशन से बना हुआ है स्पीकर है। अब मैंने सभी वायर जोड़ लिया है, होम थिएटर ये बिल्कुल सही है, और लेकिन इसकी कुछ वायर काट देती चूहो ना, तो मैं दिखाऊं, एक स्पीकर की वायर काट देती, मैंने ये लगा दिया, ये वायर वगैरह फिक्स कर दी, सही करा, पूरा खोल दिया है मैंने, सब चीज़ अलग, एक एक पार्ट अलग कर दिया, यानी पूरा होम थिएटर बिगर बॉडी के आपके सामने है, और देख रहे हो जगह नहीं है बिल्कुल भी, तो इसको इसके ऊपर लगा दिया मैंने। तो इसमें है क्या, 2 20 30 पे, 2 20 30 पे वूफर चल रहा है, और 2 हमारी IC हैं, IC का नंबर नहीं देख पा रहा, क्योंकि इनके ऊपर ये एल्यूमिनियम की हीट सिंक, लोहे की हीट सिंक लगी हुई है, जिनसे हमारे 5ों स्पीकर चलते हैं। और इसमें एक ऑप्शन है, सब वूफर का भी ऑप्शन है और वूफर का भी ऑप्शन है, तो अभी इसकी ब्लूटूथ वाला नहीं है, तो इसको ब्लूटूथ से भी चलाएंगे, तो इस कार्ड से चलाएंगे और चला के देखेंगे। तो जैसे कि पावर ऑन कर दिया मैंने, ये देख सकते हो LED जल चुकी है। अब जैसे ही मैं इसकी ऑडियो इनपुट पे लगाऊंगा ना, तो ये देखो, तो इसकी कुछ, तो ये देखो जैसे ही मैं इसकी ऑडियो इनपुट की पिन पे लगाऊंगा इस पे, और जैसे ही मैं अपना पैर धरती पे लगाऊंगा, तो इसको पूरी ग्राउंडिंग मिल जाएगी। जैसे ही मैं अपना पैर उठा रहा हूँ तो ऑडियो अर्थिंग कम मिले, जैसे ही पैर लगाऊंगा, तो ये देखो, तो इससे तो हमें पता लग गया हमारा सेट सही है। अब मैं इसमें यहीं पे, या आपके पास ऑक्स 2-in-1 पिन है तो आप लेफ्ट राइट ऑडियो दे सकते हो, और मेरे पास फिलहाल नहीं है, सीधा मैं इसको यहाँ से ऑडियो दूंगा जैक निकाल के, और फिर इसको चला के दिखाता हूँ कि ये कैसा चलता है। तो ये दोस्तों दिख रहा होगा स्पीकर, उसकी जगह ये वाला लगा दिया हमने, ये हमारा मेन बोर्ड, सब वूफर इसका चल रहा है ये, बट स्पीकर्स में से 5.1 है, तो किसी भी स्पीकर में ऑडियो आउटपुट नहीं हो रही, मॉड्यूल हमारा ये लटका हुआ, इसको इससे दे दिया। अब जैसे ही मैं चलाऊंगा तो देखना लाइट आ गई, उसने बोल दिया ब्लूटूथ मोड, उसने बोल दिया, बट साउंड टेस्ट क्या सुनाऊं जब इसकी आवाज़ नहीं चल रही। वैसे ये रिपेयर हो सकता है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अगर आप चाहते हो कि इसको रिपेयर करके दिखाऊं तो कमेंट कर देना, प्रॉपर रिपेयरिंग की वीडियो आ जाएगी। अभी प्रॉपर असेंबलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि
मेरे मुझे स्पेस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कहीं भी रखने का सेट नहीं है। तो सेट हो गया है, सब ऊपर इसका चल रहा है, आईसी इसमें या तो ऑडियो जा नहीं रही या क्या नहीं हो रहा, सिर्फ वो चेक करना है तो फाइनल रिजल्ट इसका मिल सकता है। मैं होम थिएटर, ये हमारा बेलटेक का BT 701 और कुछ इस तरीके का। तो एक बार और इसकी जब ब्लूटूथ मोड ये ऑन बोलता है तो वो सुना देता हूँ मैं इसका। ये मैंने सब कुछ फुल कर दिया और अब देखना, तो सेट बिल्कुल चालू है और बिल्कुल चालू का इसमें आधा वर्क हो रहा है आधा नहीं हो रहा। तो नोट फॉर यूज़, रिपेयर कराना चाहो तो करा सकते हो, लेकिन ऐसे सेट में हाथ नहीं डालो तो अच्छा है, क्योंकि कोई भी दुकानदार सीधा ये कहेगा भाई किट चेंज करवा ले और कुछ नहीं कहने वाला। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तो हमेशा की तरह अंत तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।